आज जिला बरेली में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सहजिल इस्लाम अंसारी अपनी भूजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के कस्बा धौरा टांडा पहुंचे, जहां उन्होंने युवा नेता मोहम्मद अमजद उर्फ अन्ना द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जब हम यहां के विधायक थे तब हमने इस कस्बे में विकास की गंगा बहाई, बिजली घर दिया, धौरा टांडा रोड का निर्माण कराने के साथ साथ कई कार्य कराए हैं। अब यहां भाजपा विधायक ने कोई विकास कार्य नहीं कराया, यहां की जनता बदहाल सड़क के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है, मगर मैं आपसे वादा करता हूं आगामी विधानसभा जीतते ही यहां फिर से विकास कार्य होगा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि किसान, मजदूर, गरीब, युवा, छात्र सब परेशान हैं। किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, वहीं उन पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीब मजदूर महंगाई से परेशान हैं। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। सपा सरकार बनते ही अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा, प्रेम भाईचारा बढ़ेगा और नफरत खत्म होगी। इस अवसर पर सपा जिला उपाध्यक्ष तनवीर उल इस्लाम ने भी विचार रखे। यहां सैकड़ों समाजवादी नेता उपस्थित रहे।